Assalam-o-Alaikum friends, this is our topic of today, problem of aqueous film coating। अब हमने लास्ट लेक्चर, अगर आपने मेरा सुना हो तो इसमें हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो कोटिंग, फिल्म कोटिंग होती है वो किस तरह से होती है, उसका मकसद क्या है, रीज़न हम क्यों करते हैं उसको, और उसके आगे टाइप्स कितनी हैं। तो उसकी अब हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है जो एक्वस में आती हैं। जब हम एक्वस फिल्म कोटिंग करते हैं तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक मेंशन्ड है पिकिंग, पीलिंग, ऑरेंज पेल इफेक्ट, मॉडलिंग, ब्रिजिंग एंड टैबलेटिंग। अब पिकिंग क्या होती है, मैं इसमें आपको बताऊंगी कि इसकी वजह क्या है। इन ये जो हमने सारी पढ़ी हैं प्रॉब्लम्स, इनकी वजह क्या है, इसकी रेमेडी क्या है, मतलब हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं अगर ये प्रॉब्लम हमारी टैबलेट में आ रही है तो हमारी। तो सबसे पहले है पिकिंग। पिकिंग इज रिमूवल ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ फिल्म फ्रैगमेंट्स ब्लेकिंग फ्रॉम द टैबलेट सरफेस। अगर जो हमारी टैबलेट है, कोटेड टैबलेट है, उसकी जो फिल्म है, हमने फिल्म कोटिंग जो की है, उससे अगर स्मॉल फ्रेगमेंट्स निकलना शुरू हो जाए, थोड़े थोड़े सेगमेंट्स जो फिल्म के हैं वो उतर जाएं, तो इसको हम पिकिंग कहते हैं। इसकी कॉज है हायर रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कोटिंग सोल्यूशन एंड इनएफिशिएंट ड्राइंग। या तो हमने सोल्यूशन बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दिया और इनएफिशिएंट ड्राइंग की है। रेमेडी इसमें हम, अब यही बात है कि अगर हमारे पास जो ड्राइंग इनएफिशिएंट हुई थी, अगर हम उसको ऑप्टिमम और एफिशिएंट ड्राइंग कर दें तो। फिर हमारे पास है, और हम इसका रेट जो है एप्लीकेशन ऑफ कोटिंग सोल्यूशन का, वो डिक्रीज कर दें बाय इंक्रीजिंग विस्कोसिटी। अगर हम एप्लीकेशन का रेट डिक्रीज करना चाहते हैं तो हम उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज कर देंगे। ये है पिकिंग। पीलिंग ये है रिमूवल ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फिल्म फ्रैगमेंट्स फ्लेकिंग फ्रॉम टैबलेट सरफेस। मतलब पहले हमारे थोड़े थोड़े पार्ट्स उतर रहे थे फिल्म के, लेकिन इसमें क्या होता है कि फिल्म, इसमें जो फिल्म फ्रैगमेंट्स होते हैं ना, वो ज़्यादा ज़्यादा, मतलब पूरी फिल्म, एक साइड की फिल्म ही उतर जाती है। तो इसकी कॉजेज क्या हैं? कोटिंग सोल्यूशन एंड इनसफिशिएंट फिल्म स्ट्रेंथ। अब इसमें फिल्म स्ट्रेंथ कम है क्यों, हमने प्लास्टिसाइजर्स कम ऐड किए जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज नहीं कर पाए। एक्सेसिव हीट यूज हो गई है जब हमने कोटिंग प्रोसेस की ड्राइंग की है। तो इसलिए जब हम इसकी रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम कोटिंग सोल्यूशन जो यूज़ करें, जो फिल्म कोटिंग के लिए सोल्यूशन यूज़ करें, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए प्लास्टिसाइजर्स ऐड कर दें। रिड्यूस प्रोसेस एयर टेम्परेचर, और हम एयर जो टेम्परेचर जो हम हीट हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसकी ड्राइंग के लिए, वो कम हो जाए। अब ये है पीलिंग ऑफ टैबलेट्स। आप देख रहे हैं कि इसमें जो पील हुआ होगा वो तकरीबन एक साइड की पूरी लेयर, फिल्म कोटेड लेयर ही उतर गई है। अब है ऑरेंज पील इफेक्ट। ऑरेंज पील इफेक्ट है कि कुछ जो टैबलेट्स होती हैं ना, वो कोटिंग टेक्सचर जो है वो जस्ट लाइक एन ऑरेंज सरफेस, रफ सरफेस के वो रिजेंबल करता है। तो ये जो हमारा इफेक्ट है, इसको हम इसीलिए ऑरेंज पील इफेक्ट कहते हैं। इसकी कॉजेज में भी रैपिड ड्राइंग है। रैपिड ड्राइंग का मतलब है, रैपिड ड्राइंग मीन्स हमने जल्दी खुश कर दिया है, और हाई सोल्यूशन विस्कोसिटी। रेमेडी, यूज माइल्ड ड्राइंग कंडीशंस and use additional solvent to decrease viscosity of solution। ये हमारी ऑरेंज पील इफेक्ट है कि देखिए ये टैबलेट में हमारा एक रफ सा सरफेस आ गया है, एक स्मूथ फिल्म नहीं बनी। मॉडलिंग, मॉडलिंग क्या है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर है। ओके, मतलब कि जब हमने कलर दिया, या फिर जो हमारा कलर सब्सटेंस और हमने एक क्रिस्टल लेयर दी, तो वो स्पॉटेड कलर ऊपर आ गया, या फिर जो हमने कलर डाला वो सही से मिक्स नहीं था डाई में, जो डाई हमने डाला वो सॉल्यूशन में सही से मिक्स नहीं थी, तो उस वजह से ना कहीं कहीं धब्बे बन जाते हैं। तो इसको हम मॉडलिंग कहते हैं। अब इसकी कॉजेज क्या हैं? कलर ड्रग यूज अलोंग विद कलरलेस और वाइट एक्सिपिएंट्स, improperly mixed dye, improper mixing of color binder solutions। Remedy, use appropriate colorants, mix properly, incorporate dry color additives during powder blending step। ये है हमारी टैबलेट मॉडलिंग। ये देखें ये रेड रेड स्पॉट है और साथ में वाइट वाइट भी है, तो ये मॉडलिंग है। अब है आगे चलते हैं हम ब्रिजिंग की तरफ। ब्रिजिंग क्या है कि जो हम फिल्म टैबलेट अप्लाई किया है ना, वो जो हमने स्कोर लाइन या लोगो बनाया था वो उसको भी फिल कर दे। ये नहीं कि उसमें भी वो एक थिन लेयर बनाए, वो उसको फिल कर दे, मतलब उसमें ज्यादा चला जाए। तो वो क्या कर देता है, वो ब्रिजिंग कॉज करता है। अब इसकी कॉजेज क्या है, इम्प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ कोटिंग सोल्यूशन, इम्प्रॉपर ऑटोमाइजेशन प्रेशर, मतलब उसका जो प्रेशर है ऑटोमाइजेशन प्रेशर है, मींस स्प्रेइंग रेट वो डिक्रीज्ड है। हाई परसेंट ऑफ सॉलिड इन कोटिंग सोल्यूशन, परसेंटेज ऑफ सॉलिड कंटेंट जो है ना कोटिंग सोल्यूशन में, जैसे हम एक्वाकोट यूज कर रहे थे, तो उसमें जो कोटिंग सोल्यूशन में सॉलिड कंटेंट है ना वो इंक्रीज्ड है। अब सॉलिड कंटेंट जो इंक्रीज्ड है, इसलिए हमारा जो कोटिंग सोल्यूशन है उसने वो स्कोर्ड लाइन या जो लोगो था उसको फिल कर दिया। अब इसकी कोटिंग विस्कोसिटी भी हाई होनी चाहिए। अब रेमेडी क्या है, इंक्रीज प्लास्टिसाइजर कंटेंट्स और चेंज प्लास्टिसाइजर कंसंट्रेशन। प्लास्टिसाइजर कंटेंट को इंक्रीज कर दें या फिर चेंज करें उसकी कंसंट्रेशन को। रिड्यूस विस्कोसिटी ऑफ कोटिंग सोल्यूशन, हेयर्स ब्रिजिंग। टैबलेट इरोजन, अब टैबलेट क्या है, डिसफिगरेशन ऑफ कोर टैबलेट व्हेन सब्जेक्टेड फॉर टू लॉन्ग टू द कोटिंग सोल्यूशन। अब क्या है कि जो कोर टैबलेट है वो डिसफिगर हो जाए जब हम कोटिंग सोल्यूशन से उसको बहुत देर के लिए सब्जेक्ट करके रखते हैं। अब इसकी कॉजेस क्या है, ओवर वेटेड टैबलेट्स, जब ज्यादा देर तक गीली रहेगी टैबलेट तो वो टूटेगी, या टूटेगी नहीं भी अगर उसकी बाइंडिंग स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वो टूटेगी नहीं भी, तब भी वो एक अजीब सी लुक अप्लाई कर लेती है अपने ऊपर। इनएडेक्वेट ड्राइंग, अगर हम उसको ड्राई ठीक नहीं करते तो उसमें मॉइस्चर रह जाता है। लेक ऑफ टैबलेट सरफेस स्ट्रेंथ, रेमेडी है इसकी कंट्रोल ड्राइंग रेट एंड टेम्परेचर। ये है टैबलेट इरोजन। थैंक यू। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर भी समझ आया होगा, एंड अगर आपको ये समझ आया और अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू अपडेट्स मिलती रहें। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।